सो टुडे आई एम गोना टेल यू टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो मेहंदी बनाने के लिए यूज़ होते ही हैं और होने चाहिए भी आपके पास। पहला, ये मैंने वेइंग स्केल लिया है मेहंदी को मेजर करने के लिए, क्योंकि मेहंदी प्रॉपर रेसिपी से बननी चाहिए। मींस 100 ग्राम्स में आपकी 30 ग्राम शुगर होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ये वेइंग स्केल होना चाहिए, वेइंग मशीन होनी चाहिए जिसमें आप अपना मेहंदी को मेजर कर सको। इसलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स न्यू ख़रीदे हैं, तो मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसमें आप ग्राम मिलीलीटर दोनों ही वेट दिखाता है। अगर आपको ग्राम में देखना है तो आप ग्राम में चेक कर सकते हो, मिलीलीटर में चेक करना है तो यू कैन चेक इन मिलीलीटर आल्सो, दोनों ही ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो इसमें दोनों ही यूनिट डीवी है, मिलीलीटर एंड ग्राम बोथ। पीछे ये आप इसका पेपर लग रहा है ना, इसको निकाल के देन यू कैन यूज़ इट। वो इसलिए लगाते हैं जिससे कि सेल ख़राब ना हो, अगर वो टच रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। सो यू कैन सी इसके अंदर ग्राम मिलीलीटर दोनों ही आएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी जो है ना आर्टिस्ट हैं या जो है ना प्रोफेशन में न्यू आए हैं या आना चाहते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स आपके पास होने ही चाहिए। यस, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर। ये इलेक्ट्रिक है और हाथ से फेटते फेटते मेहंदी को हाथ में इतना दर्द हो जाता है, वो बात भी नहीं आती क्योंकि जो मिक्सचर होता है वो इतना स्मूथ भी नहीं बनता। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो आपका काम बहुत बहुत इजी हो जाता है, ट्रस्ट मी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको, क्योंकि जितना आपका फाइन पेस्ट बनेगा उतनी अच्छी मेहंदी का कलर भी आएगा। तो आपका पेस्ट बहुत फाइन, बहुत स्मूथ, बहुत लग्जरी होना चाहिए, इट्स लाइक अ स्ट्रिंजी। तो वो कब होगा, जब बहुत अच्छे से फिटी हुई होगी। तो वो हम हाथ से करते रहेंगे, हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो बेटर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से, हैंड ब्लेंडर से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, थोड़ी सी देर में काम आपका इजीली हो जाता है। सो आई थिंक, और इसके अंदर ये, इसमें ये स्पीड का बटन भी दिया हुआ है, स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे दो दे रखे हैं अटैचमेंट, यू कैन यूज़ 2 और 1, दोनों यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक भी यूज़ करोगे तो आपका एक से भी बहुत अच्छा है ना पेस्ट, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ बनता है इससे, क्योंकि आप स्पूल से कितना भी करो। थर्डली, एक बोल, ऑब्वियसली मिक्स किस में करोगे आप मेहंदी, तो बोल होना चाहिए। एंड ट्राई टू अवॉइड स्टील वाला बर्तन, स्टील वाले बर्तन से अच्छा है आप कांच का बाउल लीजिए, वो बहुत बेटर रहता है, सीरियसली। एंड फोर्थ इज़ स्केल। मैंने स्केल भी इससे लिया है क्योंकि जब आप सेलोफेन शीट, जब आप कोन बनाते हो तो मेजर करने के लिए कि आपकी सेलोफेन आपकी कितनी साइज़ की होनी चाहिए। सो आई हैव बॉट अ वेरी गुड क्वालिटी स्केल ऑल्सो, ये भी इट्स अ पार्ट बट इट्स नॉट कंपल्सरी। और पाँच भी होना चाहिए आपका पानी, क्योंकि पानी बहुत मैटर करता है, तो मिनरल पानी होना चाहिए, पानी भी बहुत इफेक्ट देता है, बिल्कुल क्लीन वाटर होना चाहिए। सिक्स्थ विल बी यस टेप, एंड आई ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी टेप, दैट इज़ स्कॉच ब्रांड, और ये इंडिया में भी मिलता है। स्कॉच ब्रांड का टेप बहुत अच्छा होता है, अगर आप इसको मेहंदी कोन पे लगाते हैं तो एकदम से अगर लीक भी कर रहा होगा ना तो आपका पानी बाहर नहीं आएगा मेहंदी से। सो ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी टेप, अच्छे ब्रांड का टेप यूज़ करें ऑलवेज। एंड सेवन प्रोडक्ट विल बी सिरिंज। सिरिंज किस लिए, क्योंकि ऑयल जब आप लेते हो ना, जैसे रेसिपी में सपोज 30 ml चाहिए, तो ये 5 ml की सिरिंज है, आप 5 ml करके आप इजीली आप अपने ऑयल को मेजर करके डाल सकते हो। तो सिरिंज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपके पास ये होना चाहिए, नॉट कंपल्सरी बट होना चाहिए। एक मैंने लिया है ये पेपर कटर। पेपर कटर किस लिए, क्योंकि जो आप कोन बनाते हो ना, वो कोन बनाते हो आप सेलोफेन शीट से, और सेलोफेन शीट सबकी डिफरेंट साइज़ होती है, एंड आई प्रिफर स्मॉल वन। तो ये पेपर कटर से भी काम बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप सीज़र से कट करते हो तो सीज़र से क्या होता है, जिगजैग भी आ जाता है कभी कभी, अच्छे से क्लीन नहीं कट होता, इससे अच्छे से क्लीन कट हो जाता है। आप ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ ये शॉप से परचेज़ किया है। स्पैचुला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिक्स कैसे करोगे, शुरू शुरू में तो हाथ नहीं लगा सकते, स्पैचुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जितने भी लम्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो स्पैचुला इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस है ना रेसिपी। सीज़र ऑब्वियसली आपको कट करने के लिए चाहिए, इसेंशियल ऑयल मेहंदी में, मेहंदी ज़रूर चाहिए और इसेंशियल ऑयल ज़रूर चाहिए, दिस इज़, और गुड क्वालिटी का इसेंशियल ऑयल होना चाहिए, चाहे वो लेवेंडर है, टी ट्री है, या यूकलिप्टस है, कोई सा भी ऑयल, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। एंड पाइप इन बैग, कोई सा भी पाइप इन बैग ले सकते हो, स्मॉल, बिग, और यू कैन टेक कैंडी कोल बैग ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
ऑब्वियसली अच्छा हैना पेस्ट बनाने के लिए हैना पेस्ट बहुत आई मीन हैना पाउडर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत फाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिल्टर्ड होना चाहिए, डिस्पेंसर जरूर होना चाहिए, टेप डिस्पेंसर जो मैं भूल गई थी शुरू में दिखाना, तो टेप डिस्पेंसर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उसको स्कॉच टेप का वो नॉर्मल वाला निकाल के स्टैंड में इसमें लगाती हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने दिखाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैना रेसिपी है, जो हैना आर्टिस्ट है या जो नया मतलब जो लोग नए हैना प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए। नॉट ऑल, लेकिन कुछ कुछ बहुत कंपलसरी हैं, जैसे मैंने बताया जो होने ही चाहिए, उससे आपका काम भी ईजी हो जाएगा, टाइम बचेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट्स यू शुड हैव, होना ही चाहिए। द न्यू अपकमिंग है ना,